हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन आना चाहिए। इंडेक्स फंक्शन वीलुकअप से पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं और अपने काम को स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आसान तरीके से और डिटेल में सीखने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप एक्सेल शीट में देखेंगे, हमने एक टेबल ले रखा है। जिस टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल हमने ले रखा है। यहाँ पर हमने एक क्राइटेरिया ले रखा है। प्रोडक्ट नेम में हमने कीबोर्ड ले रखा है, उसका हमें रेट और प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वीलुकअप फॉर्मूला कभी भी रिवर्स में काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट नेम से हम प्रोडक्ट आईडी को सर्च नहीं कर सकते हैं वीलुकअप फॉर्मूला से, लेकिन हम इंडेक्स फॉर्मूला से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वीलुकअप फॉर्मूला लगा के देखेंगे और देखेंगे कि वीलुकअप फॉर्मूला कैसे काम करेगा। उसके बाद हम इंडेक्स फॉर्मूले को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल और टाइप करूंगा यहाँ पर वीलुकअप। वीलुकअप टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पर लुकअप वैल्यू में कीबोर्ड को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद दूंगा कॉमा और उसके बाद हमें टेबल अरे में, अब टेबल हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी प्रोडक्ट नेम से। प्रोडक्ट आईडी को हमें सर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर से हम प्रोडक्ट नेम से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे और देंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, यहाँ पर हमने रेट निकालना है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 3, उसके बाद देंगे हम यहाँ पर कॉमा। कॉमा देने के बाद हम टाइप करेंगे 0, 0 हम टाइप करें एग्जैक्ट मैच के लिए, इसलिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि कीबोर्ड की हमारी जो रेट होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है उसका 250 है कीबोर्ड का, तो यहाँ पर ये 250 शो हो रहा है। तो कुछ इस टाइप से हम वीलुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर इंडेक्स फॉर्मूला सीखेंगे। इंडेक्स फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है, तो आपको इजिली आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला, तो इसके लिए मैं लिखूंगा इक्वल और इक्वल टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इंडेक्स। इंडेक्स टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद हम अरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। अरे में यहाँ पर इंडेक्स फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टेबल कितनी रेंज है क्या है, आपको पूरी टेबल सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे रो नंबर। अब रो नंबर क्या होगा, यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट है तो फर्स्ट जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आईडी है इस रो को भी हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर से हमारी फर्स्ट रो आ जाएगी और सेकेंड में कीबोर्ड है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2। ठीक है, रो नंबर हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद देंगे कॉमा और कॉमा देने के बाद कॉलम नंबर हम टाइप करेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है रेट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 टाइप करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर कीबोर्ड का रेट आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। अब ये हम वीलुकअप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नेम से हम प्रोडक्ट आईडी नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे एरे। एरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देंगे हम कॉमा और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर रो नंबर टाइप करेंगे। अब रो नंबर हमारा क्या होगा, फिर से हमारा होगा 2। तो यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हुई, फर्स्ट रो ये हो जाएगी और सेकेंड रो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2, उसके बाद देंगे कॉमा और कॉमा देने के बाद कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में हम फर्स्ट इस कॉलम में हमारा प्रोडक्ट आईडी है, तो हम 1 टाइप कर देंगे और 1 टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करते हैं एक्सेल में। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।